सदियों से इस अनसुलझे रहस्य के राज को जानने का समय आ गया है। जब भी हम आसमान की तरफ देखते हैं तो हमारा मन करता है कि काश हम भी स्पेस में जा सकते और तारों के बीच घूम सकते और इंजॉय कर सकते। तो दोस्तों, अब कुछ ही महीनों में ये संभव होने वाला है। आज इस वीडियो में हम लोग इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे, जानेंगे कि स्पेस टूरिज्म कब से शुरू होने वाला है और वे कौन लोग हैं जो इसको संभव बनाएंगे और कितने रुपए लगेंगे स्पेस में टूर करने के लिए। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक और हमारी YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे आप तक। वैसे तो लगभग सभी कंट्री की गवर्नमेंटेड स्पेस एजेंसी कंपटीशन कर रही हैं। हर कंट्री की गवर्नमेंट ट्राई में लगी हुई है कि वह अपने कंट्री को स्पेस के मामले में नंबर वन पर लाए और यह होड़ पूरे विश्व में चल रही है। जैसे अमेरिका की नासा, हमारे देश की इसरो, यूरोपियन कंट्री की यूरोपियन स्पेस एजेंसी और इसी तरह रूस, फ्रांस, चीन, इजराइल और अन्य कंट्री के स्पेस एजेंसियां इसमें प्रतियोगिता में लगी हुई हैं। तरह तरह के स्पेस मिशन, मून मिशन, तो कभी मार्स, कभी वीनस मिशन और यहाँ तक कि सन पर भी मिशन भेज चुके हैं। और इस भेद के रहस्य को जानना अति आवश्यक भी है। आपको 20 जुलाई 1969 का दिन तो याद होगा। इसी दिन मानव इतिहास में पहली बार चांद पर कदम रखा गया। यह पूरे मानव इतिहास का सबसे गौरवान्वित दिन था। ये अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को चांद पर पहली बार मानव का कदम रखा। दोस्तों, अगले वर्ष यानी 2022 तक स्पेस में जाना संभव हो सकेगा। ये कार्य किसी भी कंट्री की सरकारी एजेंसी यानी गवर्नमेंट एजेंसी नहीं कर रही है, बल्कि तीन प्राइवेट कंपनियां हैं जो इस प्रतियोगिता में सभी कंट्री यानी गवर्नमेंटेड कंपनियों को पछाड़ कर आगे आई हैं। तो आइए देखते हैं ये तीन लोग कौन से हैं और इनकी कंपनियां कौन सी हैं। दोस्तों, पहले पर्सन हैं जेफ बेजोस, जो प्रेजेंट टाइम में पूरे विश्व के सबसे रिच पर्सन बने हुए हैं। इनकी कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जो स्पेस में जाने का कार्य कर रही है। और दोस्तों, इनकी एक और कंपनी अमेज़न का नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, जो टेली मार्केटिंग का कार्य करती हुई। आइए इनकी स्पेस एजेंसी के मिशन की एक वीडियो क्लिप देखते हैं। और 20 जुलाई 2021 को ये वापस स्पेस से ट्रेवल करके आ गए और उन्होंने सबको बताया कि स्पेस टूरिज्म अगले साल तक संभव हो सकेगा सबके लिए। तो दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि सभी लोग स्पेस में जाने के लिए रेडी हो जाएं। अब आइए दूसरे पर्सन की बात करते हैं, जिनका नाम है रिचर्ड ब्रांसन। दोस्तों, ये ब्रिटेन के मूल निवासी हैं, लेकिन वर्तमान समय में अमेरिका के कैलिफोर्निया में ये अपनी कंपनी का हेडक्वार्टर बनाए हुए हैं।
इनकी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक। इन्होंने भी दोस्तों स्पेस में ट्रेवल किया और ये रही इनकी टीम। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इनकी टीम में एक इंडियन गर्ल भी थी जिसका नाम है श्रिषा बांडला। दोस्तों यह भारत की दूसरी महिला बनी हैं जो स्पेस में जाकर भारत का नाम रोशन कर रही हैं। इसके पहले आप सभी लोग जो पहली भारतीय महिला थी कल्पना चावला, इनके बारे में तो जान ही रहे हैं। 19 नवंबर 1997 को यह अमेरिका यानी नासा के द्वारा भेजी गई थी और लगभग एक महीने यानी 31 दिनों तक स्पेस में रहीं और भारत का नाम रोशन किया। और तीसरी गर्ल जो हैं उनका नाम है सावन पांड्या। दोस्तों ये भी जाने वाली हैं नासा की तरफ से, तो यह इंडिया के लिए बहुत ही गौरवान्वित करने वाला समय है। और यह रिचर्ड ब्रांसन का जो स्पेस मिशन है स्पेस टूरिज्म के क्षेत्र में। दोस्तों अब आइए तीसरे पर्सन की बात करते हैं जिनका नाम है इलोन मस्क। दोस्तों ये भी अमेरिका की कैलिफोर्निया के निवासी हैं। इनकी स्पेस एजेंसी का नाम है स्पेस एक्स। दोस्तों इन्होंने एक और रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है पहले से। इन्होंने सबसे ज़्यादा सेटेलाइट एक ही साथ लॉन्च करने का रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है। इसके पहले यह रिकॉर्ड इसरो के नाम पर था। इन्होंने भी दोस्तों स्पेस में जाना संभव बना दिया है और ये भी इस कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इन्होंने भी वादा किया है कि आने वाले समय में स्पेस में जाना संभव बना सकेंगे और लोगों के लिए स्पेस टूरिज्म अलाउ करेंगे। तो दोस्तों आइए अब इस वीडियो का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है अब उसे जानते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर स्पेस टूरिज्म करने के लिए कितने रुपए लगेंगे और क्या यह सभी लोगों के लिए संभव हो सकेगा। तो रिचर्ड ब्रांसन जिनकी कंपनी है वर्जिन गैलेक्टिक्स, उनके द्वारा लगभग 90 मिनट का स्पेस टूरिज्म होगा और जिसकी वैल्यू होगी यानी कितना रुपया देना पड़ेगा 2.5 लाख डॉलर यानी लगभग 1.9 करोड़, लगभग 2 करोड़ के आसपास का रुपया लगेगा, तभी आप स्पेस में जा सकेंगे और टूर कर सकेंगे। तो दोस्तों इससे आप समझ गए होंगे कि आम लोगों के लिए संभव नहीं है, यानी जो लोग बहुत ज़्यादा रिच हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है वही लोग स्पेस में जाने का अनुभव प्राप्त कर सकेंगे और इंजॉय कर सकेंगे। दोस्तों इसके साथ ही इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेंगे, जिससे इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन ज़्यादा होगा और नीचे जो ज़मीनी स्तर पर है वहाँ ओजोन लेयर ज़्यादा हो जाएगी और जहाँ ज़रूरत है यानी स्पेस में वहाँ पर ओजोन डिप्लीशन होगा, यानी यह इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही खतरा होगा। जहाँ ओजोन होनी चाहिए वहाँ नहीं होगी और जहाँ नहीं होनी चाहिए वहाँ होगी, जिससे सांस लेने में दिक्कत होगी। लेकिन फिर भी यह मानव के लिए बहुत ही गौरवान्वित समय है कि लगभग सभी लोगों को जाने का स्पेस में संभव हो सकेगा और इंजॉय कर सकेंगे। इससे इतिहास के नए सूत्रों का उत्पत्ति होगी और बहुत सारे रहस्यों को जानने का मौका मिलेगा। तो दोस्तों ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल क्यूरियस सेंटर को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। जय हिंद।